आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया है, एक लंब प्रिज्म के त्रिकोणीय आधार का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, आधार की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर 13 के अनुपात में है, तो प्रिज्म की ऊंचाई 50 है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसका अनुपात दिया गया है, क्या क्या अनुपात दिया गया है, अनुपात दिया गया है 5:12:13। ये किसका है, भुजाओं का अनुपात है। अगर भुजाओं का अनुपात ये है तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसको ए बी और सी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है परिमाप। तो अगर हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि एक भुजा इसकी 5x है, दूसरी भुजा इसकी 12x है और तीसरी भुजा इसकी 13x है, बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर परिमाप यानी 60 के हो जाएगा। तो 13, 12, 25 और 5 तो 30x का मान हमारे पास 60 दिया गया है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इससे हम निकाल सकते हैं इसकी भुजा, तो एक भुजा हो जाएगी हमारे पास इसकी 5 × 10, दूसरी भुजा अगर हम बी लिया है तो बी हो जाएगी इसकी 12 × 24 और सी लिया है हमने 13, तो 13 हो जाएगी 13 × 26। और ये किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो पहली भुजा भी सेंटीमीटर में होगी, इसी तरह दूसरी भुजा भी सेंटीमीटर में दी गई होगी और तीसरी भुजा भी हमारे पास सेंटीमीटर में दी गई है। देखिए 12:13:5 या 5:12:13 का अगर अनुपात है तो ये एक त्रिभुज बनता है और वो त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज, कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पर इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, तो समकोण त्रिभुज में हम कह सकते हैं कि इसमें कर्ण जो रहा होगा सबसे बड़ी भुजा यानी 26 रही होगी, एक को 10 मान लेते हैं और एक को 24 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 24 है, तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल त्रिभुज का बराबर होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 गुणा आधार 10 है गुणा ऊंचाई 24 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 120। तो 120 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का वर्ग आप कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आधार का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है तो हमारे पास बना हुआ जो ये दिया गया है, हमें दिया गया है प्रिज्म, तो प्रिज्म का आयतन निकाल सकते हैं। देखिए प्रिज्म दिया गया है, प्रिज्म का आयतन जो होता है वो बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऊंचाई को हम ले सकते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई h दी गई है, तो आधार का क्षेत्रफल अगर आप देखते हैं तो 120 है और ऊंचाई हमें निकालनी है तो गुना h, और आयतन बराबर किसके दिया गया है, प्रश्न में देख लेते हैं, ये बराबर हमें दिया गया है त्रिज्य की ऊंचाई 50 दी गई है और आयतन हमें पूछा गया है, तो ऊंचाई यानी h बराबर हमें कितनी दी गई है, 50 दी गई है और हमें पूछा गया है आयतन कितना रहा होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को कर सकते हैं, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 12 × 5 तो 60 हो जाएगा और 2 0 हमारे पास लग गया, यानी 6000 घन सेंटीमीटर हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रिज्म जिसका आधार ये दिया गया हो, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज, तो उसका हमारे पास आ जाता है क्या, आयतन आ जाता है, यानी हम कह सकते हैं 6000 घन सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर रहा है। ये हम क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।